लेकिन यही चीज है कि जिससे हम लोगों के बीच में मैत्री से रहें, कल्याण मित्रता का ज्यादा से ज्यादा विकास करें, और वो हमें बौद्ध धर्म में मिलता है। और इसी के अनुसार ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, मैत्री से ही सही सुख की प्राप्त होती है। वास्तव में अगर हमारे अंदर मैत्री भावना है तो फिर बहुत अच्छा एक समाज भी निर्माण हो सकता है, और उसमें हम जागृति ला सकते हैं। स्वयं जागृत होते हुए भी दूसरों के अंदर भी जागृति ला सकते हैं। ये बातें हैं, और ये सब उनके साथ भी निहित थी। और अभी कल तक हम लोग एक बड़े वैसे माहौल में अभी भी उनको नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि जिसने भी सुना है उनको भी धक्का लगा है, क्योंकि हमारी आज आज ही कई लोगों से बात हुई इसी विषय पर, इन्हीं को लेकर। आज लगभग मैक्सिमम समय हमारा ये इसी में गया। एक वहां से यूके में तुरुन्ना जी रहते हैं, उनसे काफी देर तक चर्चा मेरी हुई। क्या वो तो ऐसे टीम में उत्तर भारत के लिए बहुत कुछ करना था और बहुत सारी तैयारियां कर ली थी जिसमें वो थे, और उनसे भी बात हुई थी। तो बहुत सारी बातें ऐसे उनके बारे में, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है उसकी कल्याण मित्रता अच्छी होती है, तो हर एक कोई उसकी बड़ाई करता है या उसके बारे में बताता है। उसका जो कार्य है, जो कीर्ति है, उसके उसके बारे में गुणगान करता है। और ऐसे में हमारे जिन सिंह जी थे वास्तव में, और उनका एक अच्छा बर्ताव जो हम लोगों के बीच में रह जाएगा, एक व्यवहार जो हम लोगों के बीच में हमेशा रहेगा, भले वो हमारे साथ नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उनके जो मित्रता है, जो मैत्री है, जो उनके साथ हमारे अनुभव हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। जो कुछ बातें हुई हैं वो हमेशा उनकी रहेंगी हमारे साथ। उससे हम भी प्रेरणा लेते रहेंगे, हम भी सीखते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। तो यही सब बातें होती हैं। और वास्तव में कल जैसा कि बहुत लोग वंचित हो जाते, लेकिन आज के संचार के उसमें दिल्ली केंद्र से बोध प्रकाश जी ने उसको ऑनलाइन भी दिखाया था, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। और क्या नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया से भी जुड़े थे, इवन कुछ यूके से भी जुड़े थे, और जगह से भी लोग जुड़े थे, जिन्होंने सब देखा। और कितना अच्छा लगा। ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंच सके, क्यों ना प्रत्यक्ष हम सारे क्रियाकलाप उनके जो होना था नहीं देख सके, लेकिन फिर भी हम अपने आंखों के सामने, जैसे आज इस जूम के माध्यम से हम सब मिल रहे हैं, ऐसे हमने देखा उनके बारे में। और उसके लिए भी हम, कोई भी अगर वंचित रहा है, तो उनकी दिल्ली के यूट्यूब पर भी उनके सारे कल के वीडियो मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। और शायद बोध सागर जी ने, वो बोध प्रकाश जी ने वो डाल चुके हैं उसमें, तो उसके बारे में पूरी वो कल की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें जैसे अनित्यता के उसमें कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, कुछ रहने वाला नहीं है, सब क्षण भंगुर है। वास्तव में दिन प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति सेकेंड, क्षण क्षण, ये जो है समय बीत रहा है। और इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। हर आदमी का जीवन प्रवाह चल रहा है, कोई भी वस्तु निरंतर एक दो सेकंड के लिए स्थिर नहीं है, सब परिवर्तन, सब में परिवर्तन हो रहा है। और हर क्षण हम बूढ़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम भले सोचे कि
नहीं अभी तो हम ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ऊपर से देखने में हमें ऐसा महसूस होता है कि व्यक्ति ऐसा है, लेकिन अंदर किसी को नहीं पता होता है। जबकि हम अपने कायानुस्पति ध्यान के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में जैसा हम पैदा हुए थे वैसे दिन प्रतिदिन हम बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और दिन प्रतिदिन हम जो है अनित्यता की तरफ जा रहे हैं। और इसलिए ये कोई दुख तो होता है अपने प्रियों के बिछड़ने से, लेकिन फिर भी जैसा हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, कहते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, और वास्तव में आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, ये सबके साथ होने वाला है। इसलिए हमें उसमें शोक करने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके गुणों का गुणगान करना और उससे जो हमारे सुखद क्षण हम बिताए हैं उसको याद करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमें याद भी करना चाहिए। और हम ये सोचना कि कोई वस्तु हमें सदैव के लिए मिल गई है, परंतु वो सदैव का अर्थ कुछ वर्ष, कुछ दिन, कुछ घंटे, यहाँ तक कि कुछ मिनट हो सकता है। इस बात को अस्पष्टता और निष्पष्टता से देखते हुए प्रत्येक वस्तु अनित्य है, क्षणभंगुर है, और हम हर वस्तु को लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकते हैं। हमें लगता है कि ये परिपूर्ण दृष्टि है का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो कि संस्कारिक वस्तुओं पर लागू होता है, वो हम पर भी लागू होता है, सब पर भी लागू होता है। तो ऐसी उनके साथ बातें हैं जो हमने किया। और वास्तव में ये संसार कहते हैं संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, अनित्य है, अनात्म है, वास्तव में कोई स्थिर नहीं रहने वाला है। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आज, और आज प्रवचन का भी समय नहीं है, क्योंकि ये स्थिति वो हमारे बीच